Once again, welcome to my YouTube channel. I'm Ganesh Patel from Patel Institute. Today, I want to give information about present indefinite or present simple tense. दोस्तों, इसके first वाले video में मैंने आपको बताया था कि tense तीन होते हैं: present tense, past tense, future tense. उसके चार type होते हैं: indefinite, ये simple, continuous, perfect, perfect continuous tense. तो दोस्तों ये चार टाइप होते हैं. इन चार टाइप और तीन टेंसेस को हमने मिक्स करा था, ये मिलाया था. इस प्रकार से हमारे पास टेंस के 12 टाइप्स मिले थे. तो दोस्तों मैं आज आपको सबसे फर्स्ट टाइप या जब इंग्लिश ग्रामर के सबसे फर्स्ट टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम अपने बुक्स में कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो बना हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का है. तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप इजी तरीके से पहचान जाएंगे या आपके कन्वर्सेशन में आप टेंस का यूज कर सकते हो. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आप यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस टेंस में हम किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को जो हिंदी में सेंटेंस है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे या जो इंग्लिश में सेंटेंस बना हुआ है उसे या उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो दोस्तों देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम किस प्रकार से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना सकते हैं और किस प्रकार से हम वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं. साथ ही साथ मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. तो दोस्तों आइए जानते हैं. तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस होता है जो दिखाई दे रहा है. दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाने हैं तो अगर आपको हिंदी आती है तो दोस्तों हिंदी में लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है मिलता है तो आपको उस सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. अगर जो आपकी डेली की हैबिट है दोस्तों, ये टेंस का यूज किया जाता है हैबिट में. आप अगर डेली की जो हैबिट है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं और उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है मिलता है तो उन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो सेंटेंस बनता है वो बनता है जो हमारी डेली की रूटीन को बताता है या जो हमारी हैबिट को बताता है, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें बनाना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. साथ ही साथ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिन्हें हम बोलते हैं सार्वभौमिक तथ्य जो कि बदले नहीं जाते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स को भी या जो तथ्य होते हैं उन उस प्रकार के सेंटेंसेस को भी हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये बताता है हैबिट को, ये बताता है यूनिवर्सल ट्रूथ को, साथ ही साथ जिसके लास्ट में जिस जो हिंदी वाला सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. तो दोस्तों अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे कि हिंदी का सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिल रहा है ता है, ती है, ते है तो सेंटेंस को बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनेट में. अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर को देख के या सेंटेंस को देख के आप जज कर सकते हैं कि भैया कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में बना है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या पास्ट इंडेफिनेट का है या फ्यूचर इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या पास्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है. ये हम पता करेंगे स्ट्रक्चर पढ़ के कि जिस प्रकार से स्ट्रक्चर सभी टेंसेस के या सभी टेंस के जितने भी टाइप होते हैं सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. अगर आपने उस सेंटेंस को इंग्लिश वाले सेंटेंस को इस टाइप में बनाया है तो आप इसी तरीके से जज कर सकते हो कि ये कौन सा हमारा टेंस है. सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो कि यूज होता है हमारे डेली रूटीन में, उसके लास्ट में अगर हमें ता है, ती है, ते है मिलता है हिंदी के सेंटेंस में तो हम उस सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस में. ठीक है, आप इसे दो नाम से पुकार सकते हैं, या तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलिए या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलिए. ठीक है, इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा.
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस प्रकार इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें इसमें सब्जेक्ट का रोल क्या अप्लाई होता है, या अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग मेन वर्ब यूज होती है, किस प्रकार से हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से मेन वर्ब यूज करना है, अगर हम गलत मेन वर्ब का यूज करें तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब SOES plus object, ठीक है। अगर आप देखिए इंग्लिश ग्रामर में, तो हम इंग्लिश ग्रामर में हमें दो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मिलते हैं। हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट वन दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये हमारा कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमें इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जो कौन से होते हैं आई वी यू दे और दो व्यक्तियों का नाम, जैसे योगेश एंड रमेश, योगेश एंड योगिता। इस प्रकार से हमने देखा कि दो व्यक्तियों का नाम, अगर हमें ध्यान देखिए रमेश योगेश महेश राजेश, तो ये इस प्रकार से ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और ये माने जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपने स्ट्रक्चर को देखा, आपने देखा होगा कि सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट का, उसके बाद यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमें यूज करना होता है एस और ईएस, उसके बाद यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी मेन वर्ब होती है वो पांच फॉर्मों में मानी जाती है। मेन वर्ब होती है जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने बोला स्पीक, तो स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, फोर्थ फॉर्म होती है स्पीकिंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो स्पीक्स होती है। तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस में हम मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन सकती है। आप उस टेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वी वन एस और ईएस प्लस एस और ईएस या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आप देखेंगे कि उस टेंस में हमें वी वन का यूज करना है या वी वन के साथ एस और ईएस का यूज करना है। अगर आप उस मेन वर्ब में एस और ईएस लगाते हो, पुटअप करते हो, तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है। जैसे गो है तो हो जाएगा गोस, प्ले है तो हो जाएगा प्लेस, वॉच है तो वॉचेस, टीच है तो हो जाएगा टीचेस, लर्न है तो होगा लर्न्स, कम है तो हो जाएगा कम्स, स्पीक है तो हो जाएगा स्पीक्स, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से कौन से टेंस में हम सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करते हैं, या दोस्तों हम कौन से टेंस में वी फाइव का यूज करते हैं, वो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों सब कुछ डिपेंड होता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उस टेंस की मेन वर्ब के साथ आपको पुट अप करना होता है एस और ईएस। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, अगर उस सब्जेक्ट ही हो सी हो इट हो या किसी व्यक्ति पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम हो पर्टिकुलर एक थिंग्स का नाम हो, तो वह सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आपको लगाना है एस और ईएस। या तो आप एस को लगाएंगे या तो आप ईएस को लगाएंगे, मतलब दोनों में से हमें एक को लिखना है, या तो हम उसमें एस को लगा देंगे या तो हम ईएस को लगा देंगे। तो किस कैटेगरी में हम एस को लगा रहे और किस कैटेगरी में ईएस को लेकर आए, तो आइए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको कि किस कैटेगरी में या उस वर्ड में, जैसे मेरे पास एक मेन वर्ब है मैंने बोला स्पीक, तो स्पीक में मुझे लगाना है एस लगाना है या ईएस लगाना है, ठीक है। मैंने लिखा डू, तो डू में मुझे डू मतलब होता है करना, तो डू में मुझे एस लगाना है या ईएस लगाना है, आई ई एस लगाना है। तो दोस्तों अब बोर्ड पे देखिए कि अगर वर्ड के लास्ट में सी एच एस एच ओ एस और जेड आता है तो आपको लगाना है ईएस। दोस्तों सुनिएगा, वर्ड के लास्ट में सी एच एस एच ओ एस या डबल एस आता है तो आपको लगाना है ईएस। तो आप देख सकते हो जैसे गो, गो का लास्ट वाला वर्ड है ओ, तो मैं लगाऊंगा ईएस। तो ये वी वन से मैंने वी फाइव बनाया, ऐसे ही यानी का स्पीक, ये V1 है। अब जिसे V5 बनाना है, मतलब मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना है, क्योंकि मुझे इसे यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो मुझे स्पीक का यूज नहीं करना है, मुझे यूज करना है V1 प्लस SOES।
जो कि मेन वर्ब के फॉर्म हो जाए, तो मैं इसको बना सकता हूं स्पीक्स, क्योंकि ये लास्ट वाला के है और यहां ना सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, मुझे के नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने एस लगा दिया। तो इसी प्रकार से अगर वर्ब के लास्ट में अगर आप क्यूमुलेटिव ट्री हो जाएगा दस मतलब बी फाइव बना देंगे आपको, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर मेन वर्ब यूज करेंगे। तो जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर मानी जाती है क्योंकि उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि सी एच एस एच ओ एच जेड या डबल एस आता है तो आपको ई एस लगाना है, बाकी सभी मेन वर्ब के साथ आपको एस लगाना है। जैसे कम है हो जाएगा कम्स, ठीक है, लर्न है हो जाएगा लर्न्स, वॉच है हो जाएगा वॉचेस, वहां सी एच आ रहा है, टीच है तो टीच में सी एच आएगा तो हो जाएगा टीचेस, ठीक है, ओपन है हो जाएगा ओपन्स, क्लोज है हो जाएगा क्लोजेस। तो दोस्तों ये होगा तो सही, लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करना है। हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, जैसे गो है तो गो को यूज करेंगे, कम है तो कम को यूज करेंगे, स्पीक है तो स्पीक को ही यूज करेंगे, डांस है तो हम डांस को यूज करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आपको मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। अगर लास्ट वर्ड अगर उस वर्ड में इस प्रकार से लेटर आ गए प्ले और फ्ला, हमारे पास दो लेटर है, उस वर्ड का लास्ट वाला लेटर वाई हो और वाई की पहले वॉवेल हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें एस लगाना है तो प्ले का हो जाएगा प्लेस, ये वी वन से हम वी फाइव बना सकते हैं। ऐसे फ्ला है तो वाई के पहले कंसोनेंट, एल का है हमारा कंसोनेंट तो वाई पकड़ के आई एस लगाना है तो हो जाएगा फ्लाइस, जैसे होता है ड्यूटी तो हो जाएगा ड्यूटीज, क्या हो जाएगा ड्यूटीज, क्योंकि वाई के पहले क्या है कंसोनेंट और यहाँ वाई के पहले क्या है वॉवेल, तो अगर वाई के पहले वॉवेल आता है तो आपको एस लगाना है, वाई के पहले कंसोनेंट आता है तो आपको आई ई एस लगाना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में मेन वर्ब में एस और ई एस लगाना है। अगर उस वर्ड का लास्ट वाला लेटर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वो लेटर सी एच एस एच ओ एच जेड आता है तो उस टेंस को या उस सेंटेंस को हमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एग्जाम्पल वाइज बताया है कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के साथ हम डिसाइड करेंगे कि वी वन आएगा या वी फाइव आएगा, या अगर सिंगुलर आया तो वी वन आएगा, ये वी वन में वी वन आएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वी वन एस ओ रियल प्लस ऑब्जेक्ट, वी वन में जब हम एस ओ रियल बनाते लगाते हैं तो ये मेन वर्ब फॉर्म बनती है, इसे हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल मैंने साथ में लिखे हैं, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि किस सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यू मैक सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाते हो, यू मेक सेंटेंस आप सेंटेंस बनाते हो, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ हम वी वन यूज करेंगे, मेक हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों आप देखते हैं सी मैक सेंटेंस, वह सेंटेंस बनाती है। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर मेन वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर मेन वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में हम लगाते हैं एस ओ रियल, क्या लगाते हैं एस ओ रियल, तो यहाँ हो जाएगा सी मैक्स सेंटेंस, सी मैक्स सेंटेंस सेंटेंस वह सेंटेंस बनाती है। इसी प्रकार से जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है ही प्लेज क्रिकेट, आप चेयर जमाते हो यू अरेंज चेयर, विद राकेश चेयर जमाता है राकेश अरेंजेस चेयर, ठीक है, राकेश क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अरेंज में हो जाएगा अरेंजेस चेयर, ठीक है। आप इंग्लिश सीखते हो यू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है सी लर्न्स इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, राजेश इंग्लिश बोलता है राजेश स्पीक्स इंग्लिश, जो हमारा स्पीक था उसे हमने कर दिया स्पीक्स, क्योंकि हमारा राजेश क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बना रहे हो। आप स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाती है सी गोज टू स्कूल, मैं लिखता हूँ आई राइट, वह लिखता है ही राइट्स, आप समझते हो यू अंडरस्टैंड, वह समझती है सी अंडरस्टैंड्स। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो
तो मेन वर्ब के साथ आपको पुट अप करना रहता है एसओ ईएस को, तो किस कैटेगरी में ईएस लगाते हैं मैंने बताया, उसे अच्छे से राइट डाउन करिएगा और उसी कैटेगरी में लगाइएगा कि वर्ड कि मेन वर्ब का लास्ट वाला लेटर अगर सीएच हो, एसएच हो, डबल एक्स हो, ओ हो, एक्स हो या जेड हो, तो आपको ईएस लगाना है। बाकी सबके साथ मेन वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, और जब मेन वर्ब में आप एस ईएस और आई ई एस लगाते हो तो मेन वर्ब बन जाती, मेन वर्ब का फिट फॉर्म बन जाती है। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन है ताए के ते, हम किस प्रकार एग्जांपल बना सकते हैं, सिंगुलर टेंस किस प्रकार बना सकते हैं, यू मेक सेंटेंसेस, आप सेंटेंस बनाते हो, सी मेक्स सेंटेंसेस, वह सेंटेंस बनाती है, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, यू ऑपरेट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चलाती है, सी ऑपरेटेड कंप्यूटर, ठीक है। मैं सीखता हूं अलर्न, वह सीखती है सी लर्न्स, समझ पा रहे, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, वह बाजार जाती है, सी गोस टू मार्केट। अब दोस्तों इसे देखेंगे ई गोस, तो यहां ओ था मैंने पीएस, तो क्या हो जाएगा सी गोज टू मार्केट। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें किस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, किस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं या नेगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार बना सकते हैं। सो दोस्तों आइए जानते हैं। सो देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, ये डू और यहाँ पर है डज, हमें दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ पर्टिकुलर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज अगर हमने करा तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमें जिस सेंटेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हेल्पिंग वर्ब करें तो हमारा सेंटेंस सही है, अगर हम जहाँ डू का यूज करना है हम वहाँ डस का यूज करें तो हमारा सेंटेंस गलत होगा, जहाँ डस का यूज करना है वहाँ डू का यूज करें तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कौन सा सेंटेंस में हमें डू का यूज करना है या डस का करना है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है कि ही सी इट और नेट, यह हमारा कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। हम इसकी अगर हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं जिसमें हम एस ई एस और आई एस लगाते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आपको लगाना रहता है। दोस्तों अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट है ये सी ए इट ए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक व्यक्ति का नेम है तो आपको यूज करना होता है डज नॉट का। इसी प्रकार से अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो आपको यूज करना होता है डू नॉट। दोस्तों इसका यूज करना होता है डू नॉट का क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस ना यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। आप इसको बोल सकते हैं डजंट और इसको बोल सकते हैं डू, दो नाम से पुकार सकते हैं डज नॉट या डजंट, do not या don't। इस प्रकार से जो don't होता है वो हमारा negative होता है, do does not उसे हम बोलते हैं don't, does plus not ये हो जाता है does not। तो दोस्तों हम present indefinite tense का negative sentence पढ़ रहे हैं कि negative sentence के structure होता है हमने भी देखा subject plus do does plus not plus we want plus go। अगर मेरे पास singular subject का है अगर इस प्रकार के sentence आता है तो मैं does not का use करूँगा, अगर मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो मैं डज नॉट का यूज करूंगा, अगर मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो मैं डू नॉट का यूज करूंगा। दोस्तों इसका एग्जांपल के तहत सिंगुलर सब्जेक्ट की एग्जांपल और प्लूरल सब्जेक्ट की एग्जांपल के तहत समझ सकते हैं इस प्रकार बना सकते हैं हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द नेगेटिव कैटेगरी। सो यू कैन सी हियर एंड देयर इज रिटन दे डू नॉट यूज मोबाइल, इसका हिंदी होता है वे मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, ही डज नॉट यूज मोबाइल, वो मोबाइल का यूज नहीं करता है। दोनों सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग एक ही हो रहा है, लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट सही मिल रहा है लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट अलग है, एक सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट।
तो उस हिसाब से कैटेगरी चेंज हो गई। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हमने लगाया मोर, अगर हमारे पास सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमने लगाया। तो दोस्तों आप देखेंगे दे डोंट यूज मोबाइल या दे डू नॉट यूज मोबाइल, वे मोबाइल का यूज नहीं करते हैं। ही डज नॉट यूज मोबाइल, वह मोबाइल का यूज नहीं करती। तो ये सी है और सी हमारा ये ही है या सी है, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ लिखा ही। इसी अगर इसी प्लेस हम सी भी लिख सकते हैं, सी भी हमारा क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार होता है। अगर हम इसके सेंटेंस बनाते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप देखो वह क्रिकेट खेलती है सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप देखते हो यू सी, आप नहीं देखते हो यू डोंट सी या यू डू नॉट सी। वह देखती है सी सीज, वह नहीं देखती है सी डज नॉट सी। दोस्तों डिफरेंस इतना है कि जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट का उसमें आपको लगाना है एस ओ डी एस, क्या लगाना है एस ओ डी एस। लेकिन उसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उस एस ओ डी एस को हटाते हो क्योंकि आप यहाँ डज नॉट का यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ही डज नॉट यूजेस मोबाइल, तो यहाँ एस नहीं लिखना है कि हमने डज नॉट का यूज करा, जिसमें हमने पहले से ही वी फाइव पे यूज करके रखा है उस सेंटेंस में, इसलिए हम उसमें यूज करते हैं यूज का, उसमें एस ओ डी एस लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने पहले ही सेंटेंस में उस मेन वर्ब का यूज करा है जो कि सिंगुलर मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से वो सिंगुलर मेन वर्ब है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं कि सी डज नॉट मेक सन, सी डज नॉट मेक सन, तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे ना कि मेक्स का, क्योंकि हमने लगा दिया डज नॉट। ठीक है, हाँ आप डांस करते हो, आप डांस नहीं करते हो, यू डू नॉट डांस। ठीक है, राकेश डांस नहीं करता है, राकेश डज नॉट डांस। मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं नहीं लिखता हूँ आई डोंट राइट। ठीक है, वह लिखता है he writes, वह नहीं लिखता है he doesn't write या he does not write। तो दोस्तों आपने देखा इन सेंटेंसेस की सहायता से कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर या इंटरगेटिव एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम प्लूरल सब्जेक्ट का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बनाना है। तो पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका डू डज सब्जेक्ट, यानी या तो डू का यूज करना है या तो डज का यूज करना, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो मैं यूज करूंगा डज का, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आया तो मैं यूज करूंगा डू का, क्योंकि मैंने आपको बताया है। तो किस प्रकार से इसके एग्जांपल्स बनेंगे, देखिए डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। मैंने सबसे पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये हमारी हैबिट को बता, मतलब जो हमारी हैबिट है या जो हमारी डेली रूटीन है उस प्रकार के सेंटेंसेस टेंस में बनते हैं और इसके लास्ट में ता है ती है ते है मिलता है। तो दोस्तों आप देखें डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डस योगेश गो टू स्कूल, क्या योगेश स्कूल जाता है। दोस्तों यहाँ मेन वर्ब भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, यहाँ मेन वर्ब भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। डिफरेंस इतना है कि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट पे तो मैंने डू को आगे करा, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट पे तो मैंने डस को आगे करा। मतलब हम इससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, डस डस ही मेक टी, क्या वह चाय बनाती है। ठीक है, हाँ डस ही टेक टी, क्या वह चाय पीती है। हाँ डस ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। अभी भी हाँ डू यू टेक टी, क्या चाय पीते हो, डू यू मेक टी, क्या चाय बनाते हो। ठीक है, हाँ डू यू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलते हो। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने देखा कि डू का कहाँ यूज करना है और डस का कहाँ यूज करना है, कौन सा सेंटेंस के साथ डू का यूज करना है, कौन से सेंटेंस के साथ डस का यूज करना है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट ही आ रहा है तो ही के साथ आपको लगाना है डज नॉट और डज ही होगा, क्या होगा डज। ऐसे ही क्या हो जाएगा सी डज नॉट या डज सी होगा। ऐसे ही राकेश आएगा, राकेश डज नॉट या डज राकेश प्ले क्रिकेट, क्या राकेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, हाँ इसी प्रकार से हमने देखा
क्या आप टीवी देखते हो? Do you watch TV? इसी प्रकार क्या आप टीवी देखती हैं? Does she watch TV? ठीक है, क्या आप होमवर्क करते हो? Do you do homework? क्या वो होमवर्क करती है? Does she do homework? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? Do I speak English? क्या राकेश इंग्लिश बोलता है? Does Rakesh speak English? तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडिकेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाते हैं। मैंने आपको बताया एग्जांपल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के आप डब्ल्यूएच पैटर्न या डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर किस प्रकार बना सकते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हो बोर्ड में, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू डस प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपको पता चला क्वेश्चन दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर मतलब करना है क्वेश्चन। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल है, ठीक है। डू वी गो टू स्कूल, क्या ये हमारे एग्जांपल, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। डस यू गेस गो टू स्कूल, ये हमारे इंडिकेटिव स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर पे आगे हमें लगाना होता है डब्ल्यूएच वर्ड, तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है डब्ल्यूएच पैटर्न। तो किस प्रकार मैं लगा सकता हूं, व्हेन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डस योगेश गो टू स्कूल, योगेश स्कूल कब जाता है, इसी के एग्जांपल में लिखा दिए हुए हैं। व्हेन डस सी डांस, वह कब डांस करती है, ठीक है। व्हेन डू दे डांस, वे कब डांस करते हैं, ठीक है। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहां खेलते हो, where does she play cricket, वह क्रिकेट कहाँ खेलती है, ठीक है। where do you purchase things, आप सामान कहाँ से खरीदते हो, where does he purchase things, वह सामान कहाँ से खरीदता है, ठीक है। हाँ हाँ, why do you operate computer, आप कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करते हो, why does Rakesh operate computer, Rakesh कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH स्ट्रक्चर और WS एग्जांपल्स की सहायता से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। तो दोस्तों ये टेंस बहुत इजी टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, इसलिए इसका नाम होता है सिंपल टेंस, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि हम जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है, उसमें हमें सिर्फ मेन वर्ब को ही फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज करना होता है। इसी प्रकार से देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट वाला स्ट्रक्चर या लास्ट वाला पैटर्न किस प्रकार बनता है, इसे हम बोलते हैं हु स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हु प्लस वी वन एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इस एग्जांपल के साथ था देखते हैं, ये दोनों सेम बनेंगे क्योंकि हमारा जो हु पैटर्न है यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इन द लास्ट जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, मतलब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जांपल के तहत देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हु टीचेस हिंदी, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीचेस हिंदी, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सेंटेंस के एग्जांपल है, और ये प्लूरल सेंटेंस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल है। मतलब यहां हमने सब्जेक्ट को हटा दिया तो हमें चेंज कुछ नहीं करना है, हमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस का यूज करना है, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, डिपेंड्स लास्ट वाले सेंटेंस में डिपेंड सब्जेक्ट पे नहीं करेगा, हमें मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है, मतलब लगाना है कौन लिखता है, हु राइट्स, कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन नाचता है, हु डांसेस, कौन गाता है, हु सिंग्स, ठीक है, कौन स्कूल जाता है, हु गोस टू स्कूल, कौन स्कूल से आता है, हु कम्स फ्रॉम स्कूल, कौन होमवर्क करता है, हु डस डू होमवर्क, हु डस डू होमवर्क, या कौन मेमोराइज करता है, हु मेमोराइजेस, हु मेमोराइजेस, कौन पढ़ाता है, हु टीचेस, हु टीचेस। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस प्रकार से पांचों फॉर्म बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, आपको सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप डेली रूटीन को बता रहे हो या हैबिट को बता रहे हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। आपके सार्वभौमिक तत्व यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि यूज होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के पांच स्ट्रक्चर होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो सेकंड होता है वो होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो फोर्थ होता है वो होता है डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर या डब्ल्यूएच पैटर्न, जो लास्ट वाला होता है जो थर्ड वाला जो फोर्थ वाला होता है वो होता है इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो फिफ्थ होता है वो होता है वो स्ट्रक्चर या वो पैटर्न। दोस्तों इन्हें एग्जांपल के तहत मैं समझाता हूँ। इस प्रकार से हमने देखा कि पहला हमने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट प्लस वी वन सॉरी ए प्लस ऑब्जेक्ट आई टी ए के, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इसका इंडेगेटिव क्या है डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है हिंदी का सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंटरगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इसके बाद हम बनाते हैं वो स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच प्लस डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमें पुट अप करना होता है क्वेश्चन। इसी प्रकार से लास्ट वाला होता है हु प्लस वी वन एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन। दोस्तों हम इसके एग्जांपल बना सकते हैं कि आप स्टडी करते हो यू डू स्टडी, आप स्टडी नहीं करते हो यू डोंट डू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हो डू यू स्टडी, आप स्टडी कहां करते हो वेयर डू यू स्टडी, कौन स्टडी करता है हु स्टडीज। हां योगेश स्कूल जाता है योगेश गोस टू स्कूल, योगेश स्कूल नहीं जाता है योगेश डज नॉट गो टू स्कूल, क्या योगेश स्कूल जाता है डज योगेश गो टू स्कूल, योगेश स्कूल कहां क्यों जाता है व्हाई डज योगेश गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है हु गोस टू स्कूल। तो दोस्तों मैंने इस टेंस को आपको बताया कि कहां पर आपको ईएस लगाना है, कहां पर एस लगाना है और कहां पर आई पी एस लगाना है, कौन सा सेंटेंसेस में आपको डज का यूज करना है, कौन सा सेंटेंसेस में आपको डू का यूज करना है, स्ट्रक्चर वाइज एग्जांपल वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको पूरा कंफर्म करना है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा इन द लास्ट आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके थैंक यू सो मच।